नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा मठरी। मठरी बनाने के लिए हम एक परात लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी मैदा। ये मैदा करीबन 250 ग्राम होगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से मसल कर डालेंगे, ऐसा करने पे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम इन सबको मिला लेंगे। अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे 3 टेबलस्पून घी या फिर रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको हाथ से रगड़ कर अच्छे से मिला लेंगे। मोयन डालने के बाद हमारा आटा कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा सान लेंगे। हमारा आटा पूड़ी का जो डो होता है उतना ही टाइट बनना चाहिए। हमारा डो अब तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, इससे हमारा डो सेट हो जाएगा। अब हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून मैदा और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड या घी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है। 15 मिनट हो गया है और हमारा डो अब तैयार हो गया है। अब हम इस डो के बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। अब हम इन पेड़ों को लेकर एक बड़ी बड़ी रोटी की तरह इन्हें बेल लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे और उस पे जो हमने अपना मैदा और रिफाइंड का पेस्ट बनाया था उसे लगा लेंगे अच्छी तरह से और इस पे हम अपनी दूसरी रोटी चिपका लेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम बार बार करेंगे। हम इसी प्रोसेस से अपनी चारों रोटी को एक दूसरे पर चिपका लेंगे। अब हम अपनी रोटियों को अच्छे से टाइटली रोल कर लेंगे। और अब हाथ से हल्का हल्का प्रेशर देकर इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब हम अपने रोल के 1 इंच बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। और इन पीसेस को अपने हाथ से तिरछा दबाते हुए, तिरछा प्रेशर देते हुए दबा लेंगे। हमें इसे एक साथ पूरे हथेली से नहीं दबाना है, पर थोड़ा सा साइड में रख के तिरछा दबाना है जिससे हमारे लच्छे खुले ना। हमने अपने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके बेल लेंगे। हम अपनी मठरी की विड्थ उतनी ही रखेंगे जितनी मोटी हमें मठरी चाहिए।
ये देखिए हमारी मठरी में कितने लच्छे दिख रहे हैं। अब हमारी मठरी सब तैयार हो गई है। हमने तेल पहले से गरम करके रखा था। हम देख लेंगे हमारा तेल अच्छे से गरम है कि नहीं, और अब हम इसमें एक एक करके अपनी सारी मठरी तल लेंगे। हम इन्हें मीडियम से लो फ्लेम पर तलेंगे। हम इन्हें पलट पलट कर तलेंगे ताकि हमारी मठरी अंदर तक एकदम क्रिस्पी बने। हमारी मठरी अब तैयार हो गई है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।